थे। काफ़ी दिन हो चुका था ब्लॉग बनाते बनाते, मैं नहीं समय से डाल पा रहा था। आज बहुत काफ़ी दिन के बाद फिर आज तबीयत मेरा ठीक हुआ है, जिसके कारण आज ब्लॉग अपना बना शूट कर उसके बाद एडिटिंग कर तब डालेंगे अपने चैनल पर। जब तक ले आप लोग चैनल में बने रहिएगा, क्योंकि हम नहर पर जिस समय जाते हैं उस समय का वीडियो है। देखिए यहाँ पर अगल बगल में चारों तरफ पानी ही पानी है नहर में, और नहर में पानी इतना काफ़ी आ चुका है जो अभी उसका हद हिसाब नहीं है। अब नहर में पानी नहीं रहता तो ये बगल से वो बगल हम चल जाते डायरेक्ट अपना चौक पर भूता है। अब उधर नहीं जाने के कारण अब पूरा नहर हमको चलना पड़ रहा है, और आप लोग देखते होंगे जो हम पूरा वीडियो बनाते हैं तो अपने चैनल पर दिखाते हैं, हम आप लोग से हर एक शेयर बात करते हैं। क्योंकि जब हम नहर के पास आते हैं दौड़ने के लिए रात में 3 बजे भोर में, उस समय कोई भी आदमी नहीं आता है, और 3 बजे भोर में इसी नहर पर हम दौड़ते हैं। देखिए देखिए 3 बजे भोर में कितना अच्छा नहर है, और 3 बजे भोर में हम यहाँ पर दौड़ते हैं, और 4 जब बजता है तो वहाँ से एक आगे से वो जो पीपल के दिखाई दे रहा है वहाँ से एक जाने वाला है दक्षिण खेत के तरफ मेरा, तो वहाँ हम जाते हैं और उसके बाद हम उधर दौड़ उड़ कर उसके बाद तब उधर हम जाते हैं खेत वत अपना देख होकर, और उसके बाद तब जाते हैं। वो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ दिखाने के लिए वीडियो जो दौड़ते हैं हम सुबह सुबह, वो भी हम प्रयास पूरा करेंगे दिखाने के लिए आप लोग का। जो आप लोग देखिएगा तब मानिएगा जो हाँ ये सही बात है कि गलत बात है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को बुला कर लाना पड़ेगा हमको साथ में, और हम अकेले आते हैं दौड़ने के लिए, इसीलिए दूसरा आदमी को हम बुला कर नहीं लाते हैं। जो मान लीजिए हमारा कुछ होगा तो कोई टेंशन नहीं है, और दूसरा आदमी को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं दूसरे आदमी को बुला कर लाता हूँ और अपने ही से ही ब्लॉग बनाकर वीडियो अपलोड करता हूँ। जो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पानी था, पानी हिल चुके हैं और चौक पर जा रहे हैं जो आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये मेरा अंकल जी हैं जो अभी मुड़ी पर सरसों ढो रहे हैं, और उसके बाद ले जाएंगे अपना माल उल रखे होंगे जो खिलाएंगे काट उट कर। खेत में सब लोग है अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना ही काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सब लोग खेत में अपना काम करते हैं, मैं अपने चैनल पर रोज़ काम करता हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग। और देखिए मेरा वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बोलना चाहते हैं, जो कोई भी आदमी को सपोर्ट कीजिए, मैंने दिल से कीजिए, क्योंकि एक आदमी को और सपोर्ट आप लोग कीजिएगा ज़रूर। जो एक यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो कुंती देवी ऑफिशियल के नाम से एक चैनल है, वो चैनल का आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा में चैनल है चांदा रानी वाइन्स में, वो भी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो वो भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जितना हो सके उतना। और चुमन सिंह ऑफिशियल एक चैनल है यूट्यूब पर, वो भी आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के एक एक सपोर्ट से आदमी आगे बढ़ेगा और काम करेगा तो मज़ा आएगा। तो आप लोग तो ब्लॉग देख रहे हैं सरसों कितना अच्छा अच्छा है, और देखिए कितना रंग बिरंगी है और कितना देखने में खूबसूरत दिखाई दे रहा है आप लोग के सामने। जो काफ़ी दिन हो चुका था ब्लॉग बनाते बनाते नहीं बना रहे थे, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था जिसके कारण अपना ब्लॉग बंद कर दिए थे बनाना। आज तबीयत ठीक हुआ था तो गए थे उधर, तो मैं सोचा हूँ बना लेते हैं, हम बना कर दिखाते हैं दर्शकों का। आप लोग का प्यार दुलार मिलता है तभी तो मेरा मन करता है बनाने का। और सब्सक्राइब चैनल कीजिए ज़रूर भाई, आप जो भी लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तब मज़ा आएगा। देख रहे हैं मक्का, देखिए कितना कितना हो चुका है, इसमें आलू भी है, आलू अभी नहीं कुराया है जिसके कारण मकई पतला पतला है, जब पानी उनी पट जाएगा तब उसके बाद मकई ज़बरदस्त बैठेगा। तो आप लोग दुलार दीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत कीजिए ज़रूर, और नए चैनल पर होगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि डेली हम आप लोग के सामने ब्लॉग लेकर आते रहते हैं और बनाते रहते हैं। तो आप लोग मेरा
चैनल देखना चाहते हैं अच्छा अच्छा ब्लॉगिंग, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोग से। जब तक ले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दीजिए और शेयर कीजिए। देखिए अब मैं यहाँ पर चौक पर पहुँच चुका हूँ, थोड़ा दूर और है और स्कूल है बगल में, और चलते हैं दिखाते हैं। और पहुँच चुके हैं स्कूल के करीब, थोड़ा दूर और है और मंदिर है, विद्या जी का भूजा दुकान है, वहाँ पर ले चलते हैं, आप लोग को दिखाएंगे। भाई आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, देखते होंगे वीडियो, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है यार ब्लॉगिंग बनाने में, तो आप लोग ज़रूर मोहब्बत करते होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए अब स्कूल के पास आ चुके हैं और देखिए यहीं है स्कूल, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नया गाँव है, जो इसी स्कूल में हम लोग पढ़े हुए थे छोटे जब थे, जब हम लोग पहला क्लास में पढ़ते थे, तो यहीं है भूतहा चौका स्कूल। इसी स्कूल में हम लोग पहला क्लास से लेकर पाँचवा क्लास तक ले पढ़े हैं, और यहाँ से निकल कर तब हम लोग जाते थे रायकरिया। और देखिए इसी के बीच यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के भी समीप आ चुके हैं, आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा वीडियो और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए मंदिर आ चुका है, हम लोग का भूतहा चौक का मंदिर है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा भाई।